नमस्कार, आप सभी व्यूअर्स का चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अक्सर आप लोगों ने यह देखा होगा कि इंडिया पोस्ट के माध्यम से आप कोई पार्सल या कोई डॉक्यूमेंट या कोई मनी ऑर्डर या कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, और भेजने के बाद जब आप उसका स्टेटस ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, जी हाँ, जो भी चीज़ आपने इंडिया पोस्ट के माध्यम से किसी एक जगह से दूसरे जगह भेजा है और भेजने के बाद जब आपको ट्रैकिंग करने की आवश्यकता होती है, तो उस समय ट्रैकिंग करते समय यह चीज़ दिखाता है कंसाइनमेंट नॉट फाउंड। जी हाँ, यह प्रॉब्लम अक्सर ही होता है, और यह प्रॉब्लम किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि कुछ भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह भेजने के बाद जब उसका स्टेटस ट्रैक करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर शो करता है कंसाइनमेंट नॉट फाउंड। जी हाँ, कंसाइनमेंट नॉट फाउंड। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, तो चलिए इसका पूरा विवरण मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले चलिए इंडिया पोस्ट के वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसका प्रॉब्लम क्या है। तो आपको पता ही होगा इंडिया पोस्ट का जो वेबसाइट है, और अगर नहीं पता है तो आप सिंपली गूगल में जाकर टाइप करें ट्रैक कंसाइनमेंट इंडिया पोस्ट, तो जो वेबसाइट सबसे पहले आएगा उसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का एक पेज आ जाएगा, और यहाँ पर सबसे पहले आपसे बोला जाएगा एंटर कंसाइनमेंट नंबर, और उसके बगल में बॉक्स बना होगा, वहाँ पर आपको अपना कंसाइनमेंट नंबर एंटर करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर कंसाइनमेंट नंबर एंटर कर रहा हूँ, और ये कंसाइनमेंट नंबर एक स्पीड पोस्ट का है जो इंडिया पोस्ट के माध्यम से भेजा गया है। उसके बाद बोला जा रहा है एंटर द सेकेंड नंबर, तो नीचे जो सेकेंड नंबर है बॉक्स में उसे आपको बगल में जो बॉक्स है वहाँ फिल करना है। तो यहाँ पर दो ही चीज़ आपसे मांगा जाएगा, पहला नंबर कंसाइनमेंट नंबर मांगा जाएगा, और दूसरा कुछ क्वेश्चन रहेगा उसे आपको सॉल्व करना है। उसके बाद सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ क्या दिख रहा है, कंसाइनमेंट नॉट फाउंड, कंसाइनमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड। तो ये कंसाइनमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड आखिर क्यों शो करता है, इसका क्या रीज़न है? तो देखिए इसका जो सबसे बड़ा जो रीज़न है आपको इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो देखिए इंडिया पोस्ट के माध्यम से भेजी गई किसी भी चीज़ को ये आप ट्रैक करते हैं तो कंसाइनमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड इसलिए दिखाता है कि जिस बुकिंग ऑफिस या जिस पोस्ट ऑफिस से आपने अपना डॉक्यूमेंट पार्सल जो भी बुक किया है, तो जो डाटा है इंडिया पोस्ट के सेंट्रल सर्वर में इंस्टेंट अपडेट नहीं हो पाता, यानी कि इंस्टेंट सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता है। डाटा सिंक्रोनाइज होने में थोड़ा समय लगता है, और डाटा जो भी इंडिया पोस्ट के बुकिंग ऑफिस या पोस्ट ऑफिस से जो भी डाटा इनपुट किया जाता है वो डाटा सेंट्रल सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज होने में थोड़ा समय लगता है, और सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रोसेस है टाइम टू टाइम होता है, और इसका एक निश्चित समय होता है, जिस कारण से जब आप ट्रैक करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर दिखता है कंसाइनमेंट नॉट फाउंड। जैसा कि इस इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो भी डाटा आप इनपुट करते हैं वो वेब सर्वर के माध्यम से सिंक्रोनाइजेशन सर्वर तक पहुँचता है, और वहाँ से वो सेंट्रल डाटा यानी कि सेंट्रल डाटा बेस सर्वर तक पहुँचता है। तो जब इंफॉर्मेशन सेंट्रल डाटा बेस सर्वर तक पहुँच जाता है और आप जब ट्रैक करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपको डिटेल्स शो करेगा, लेकिन जब तक डाटा यहाँ इंडिया पोस्ट के सेंट्रल सर्वर तक नहीं पहुँच पाता है, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से डाटा यहाँ नहीं पहुँच पाता है जब तक, तब तक वहाँ पर यही शो करेगा कि कंसाइनमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड। जब डाटा सेंट्रल सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो वहाँ पर ये शो करेगा कि आपका स्टेटस क्या है। तो यही प्रमुख रीज़न है कंसाइनमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड शो करने का। इस इमेज के माध्यम से मैंने ये कोशिश किया है कि आपको इस चीज़ को क्लियरली समझा दूँ। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर के अंदर किसी भी चीज़ को स्टोर जो करता है वो सेंट्रल सर्वर किसी भी डाटा को स्टोर करता है,
और जब वहाँ स्टोर हुआ डाटा जब कोई सर्च करता है तो उसे उसके कंप्यूटर मोबाइल में उसका रिजल्ट दिखता है। तो सेंट्रल डाटाबेस सर्वर के साथ जब तक कोई डाटा अपडेट यानी कि सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है तब तक आपको उस डाटा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि लगता हो कि वीडियो किसी के काम आ सकता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।